हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप ट्वेल्थ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो अब की बार जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो पहले की बजाय शॉर्ट हो चुका है। उसकी जो कुछ यूनिट्स हैं वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो जो एलिमिनेटेड यूनिट्स हैं वो हैं सॉलिड स्टेट, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट सरफेस केमिस्ट्री, सिक्स्थ यूनिट है आपकी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेवन्थ यूनिट है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसके बाद है 15 यूनिट्स पॉलीमर्स, 16 यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो यूनिट्स हैं वो आपकी एलिमिनेट हो चुकी हैं। उसके बाद जो बची हुई यूनिट्स हैं वो उनमें से हम देखते हैं कि जो ईजीएस्ट यूनिट है वो सबसे कौन सी है। ईजीएस्ट टू टफेस्ट साइड हम चलेंगे। तो जो आपकी सबसे ईजीएस्ट यूनिट पड़ती है ना ट्वेल्थ में, वो पड़ती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है सॉल्यूशंस। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद फिफ्थ पे आती है बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें बस याद करने का ही आप इजीली पढ़ सकते हैं उसको। उसके बाद सिक्स नंबर पे आती है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एटेन्स, जो कि आपकी ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। उसके बाद आती है अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। एंड देन उसके बाद आती है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपकी ट्वेल्थ क्लास की सबसे टफेस्ट यूनिट है वो है एमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि जो कौन सी यूनिट है आप इजीली पढ़ सकते हैं, कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया जो मेरे अकॉर्डिंग ईजीएस्ट यूनिट थी और जो टफेस्ट यूनिट थी। तो अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।